नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। अच्छा, पॉलिटिकल एंट्री यानी कि राजनीति में जाने का रास्ता जो है पदयात्रा ही क्यों है? क्या ये सियासी सफलता का अचूक हथियार है? शायद हाँ, क्योंकि देश में पदयात्राओं का इतिहास इसी ओर इशारा करता है और हम लोग खुद बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फला 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 और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पदयात्रा की। उसके बाद उनको कई तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। एक तरह से ये उस दौर में अपनी ब्रांडिंग करने का एक तरीका था। और आज चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने राजनीति में एंट्री लेने के संकेत दिए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे अगले 3-4 महीनों में 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और उनकी पदयात्रा शुरू होगी चंपारण से। इस दौरान प्रशांत किशोर लगभग 17,000 लोगों से बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पदयात्रा का मतलब ये होता है कि हम जब हजारों किलोमीटर दूर पैदल चलते हैं तो हमें रास्ते में हजारों हजार लोग मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हजारों हजार लोगों से हम मिलेंगे तो वो अपनी बात हमसे कहेंगे, हम अपनी बात उनसे कहेंगे। तो इससे बेहतर ब्रांडिंग का और कोई तरीका नहीं होता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1930 में आधुनिक पदयात्रा की नींव रखी थी। उस समय ब्रांडिंग जैसा कोई शब्द नहीं था, लेकिन उन्होंने पदयात्रा की और पदयात्राओं की उन्होंने नींव रखी। नमक पर लगने वाले ब्रिटिश टैक्स के विरोध में उन्होंने 380 किलोमीटर की दांडी यात्रा की थी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से लेकर के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह तक पदयात्रा कर चुके हैं। युवा तुर्क के तौर पर पहचाने जाने वाले पूर्व पीएम चंद्रशेखर ने 1983 में पदयात्रा की थी। कन्याकुमारी से दिल्ली तक की गई इस यात्रा में चंद्रशेखर ने इस यात्रा को भारत यात्रा का नाम दिया था। उनकी ये यात्रा 4,000 किलोमीटर से अधिक की थी। 6 जनवरी 1983 को कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक से उनकी ये यात्रा शुरू होती है और 25 जून 1984 को दिल्ली के राजघाट पर उनकी ये यात्रा खत्म होती है। चंद्रशेखर को इस यात्रा का उस समय तो कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन 1990 में वे देश के 8वें प्रधानमंत्री चुने गए। हालांकि मार्च 1991 में बहुमत की कमी के चलते चंद्रशेखर की सरकार गिर गई और उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया। 9 अप्रैल 2003 को आंध्र प्रदेश के नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी ने 2 महीने के दौरान अपनी पदयात्रा शुरू की। अपनी करीब 1,500 किलोमीटर की यात्रा के दौरान वाईएसआर ने 11 जिलों का भ्रमण किया, दौरा किया, कई मीटिंग्स की उन्होंने इस दौरान। और यात्रा के दौरान वो लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। इस यात्रा का फायदा उन्हें 2004 के विधानसभा चुनाव में मिलता है। मई 2004 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सितंबर 2009 तक वो इस कुर्सी पे बैठे रहे। उनके बेटे मोहन रेड्डी फिलहाल आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। वाईएस रेड्डी की पदयात्रा की वजह से चंद्रबाबू नायडू ने 2004 में सीएम की कुर्सी गवाई थी। तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू ने 2013 में 17,000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की और नायडू ने 2014 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए। चंद्रबाबू ने 1979 में नायडू पदयात्रा की थी और 1995 में नायडू ने तेलुगु देशम पार्टी के नेता और ससुर एनटी रामाराव को हटा करके पूरा तख्ता पलट दिया और खुद मुख्यमंत्री चुने गए। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सितंबर 2017 में 6 महीने की नर्मदा यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की 110 विधानसभा सीटों का दौरा किया। देखिए कितनी बड़ी बात है, 110
विधानसभा सीटों के लोगों से वो जाकर के मिलते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं। हालांकि दिग्विजय ने अपनी इस यात्रा को धार्मिक यात्रा ही बताया था। और फिर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 230 विधानसभा सीटों में से 114 सीटों में जीत मिली। हालांकि दोनों ही पार्टियां बहुमत के आंकड़े 116 से बहुत दूर थी। भाजपा को 109 सीटों पे जीत हासिल हुई थी। बाद में कांग्रेस ने बसपा और सपा से एक गठबंधन बना करके सरकार बनाई थी। तो आप समझ सकते हैं कि पद यात्रा कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। पॉलिटिकल एंट्री का आपका रास्ता साफ करती है, आपको एक प्लेटफॉर्म देती है। हालांकि अभी प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी का कोई इशारा नहीं किया है, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या कोई नई पार्टी बनाने वाले हैं, तो उन्होंने ये कहा कि वक्त बताएगा। और उनकी ये जो यात्रा है 3000 किलोमीटर की, इससे वो बहुत कुछ मेरे विचार से कॉम्पिटिट कर पाएंगे, बहुत कुछ पा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो 17000 लोगों से बात करेंगे। जाहिर सी बात है, 17000 लोगों से जब वो बात करेंगे तो 17000 लोग उससे तिगने लोगों से उस बातचीत का प्रचार करेंगे। तो दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बनाते हैं या नहीं, या किसी पार्टी में वो शामिल होते हैं या नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी एंट्री का एक रास्ता ज़रूर मीडिया के सामने उजागर किया है। दोस्तों, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मेरे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।